संत कबीरदास राज्य स्तरीय जयंती समारोह शनिवार को सोनीपत के गोहाना में आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच से संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीरदास ने एक अच्छा संदेश हर वर्ग के लोगों को दिया है, लेकिन आज के समय में कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने संतों को कभी सम्मान नहीं दिया, केवल उनके नाम पर राजनीति की है। भाजपा सरकार ने संतों के सम्मान में प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित कर उनको नमन किया है। कि कमीला मन निर्बल गया, कमीला मन निर्बल भयो, जैसे गंगा नील पाछे पाछे हरि भीले, कहत कबीर कबीर। यह कबीर दास की ही वाणी, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी भावना खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं भूलता है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को नागरिक का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई ये किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। जिस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें चाहिए कला, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यह भी है ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं, जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का दवेश की भावना, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें नजर ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी, जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण जिसका शोषण किया जाता था, कभी उसको सशक्त बनाना चाहते थे, वे उसको
को याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे, व्यक्ति आगे बढ़े इन रूढ़ियों से वो आजाद हो, ये कबीर जी की ही एक सोच थी जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसाद समिति बना करके ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, कभी भी उनको इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के समाज के बीच में जाकर के उनकी कभी सोच नहीं रही कि उनको सम्मान दिया जाए, परंतु ये सम्मान ये हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का आज काम कर रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।